मोहब्बत हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जी की मोहब्बत करूं। आप करें मोहब्बत के लिए अगर आप उन जज्बात का इजहार करते हैं जो शरीयत में मना नहीं तो नहीं मना, लेकिन उस इजहारे मोहब्बत पर जो जज्बा आपने इख्तियार किया उस पर आपने यह भी देखना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुतालबा क्या है, हुजूर की मोहब्बत हमसे क्या मुतालबा करते। यह हदीस अर्ज करने लगा मिश्कात शरीफ से, यह आपने याद रखनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना एक जगह वुजू किया तो हुजूर के जिस्म नूर से जो वुजू के कतरे लगे ना, जिन्होंने दिल भर जानी डिठा ओ वखियां ही तक लिया, वो जो हुजूर के जिस्म नूर से कतरे मुबारक लगे ना, सहाबा ने वो अपने हाथों पे लिए और चेहरों पे मलना शुरू किया और वजूद पर मलना शुरू किया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम गौर से मोहब्बत का ये जज्बा देख रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे किस चीज़ ने तुम्हें मजबूर किया ये करने पर? तो अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत ने, हुजूर मोहब्बत ने ये जज्बा हमारा बना दिया है। अब हुजूर ने अपनी मोहब्बत का एक मुतालबा किया, मोहब्बत रसूल ने एक मुतालबा किया जो नबी पाक ने मोहब्बत करने वालों के सामने रखा, और आज आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, मिलाद का दिन है। ये जो अपने मोहब्बत करने वालों से नबी पाक ने मुतालबा किया ये हमने ज़रूर पूरा करना है इंशाल्लाह का, पूरी कोशिश करनी है ये मुतालबा पूरा करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको जब अपने वुजू का पानी बतौर तबर्रुक जिस्म मुबारक से मस हुआ पानी अपने जिस्मों पर मलते देखा तो हुजूर ने फरमाया अगर कोई चाहता है कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे या ये चाहता है कि रब रसूल उससे मोहब्बत करें तो फिर वो जब बात करे तो सच बोले। ये उन सहाबा को देखकर हुजूर ने बयान किया, वो या मोहब्बत रसूल वाला झूठ नहीं बोलता। हुजूर फरमाने लगे जो चाहता है अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करे, वो जब बात करे तो सच बोले और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत ना करे। और हुजूर फरमाने लगे जो उसके साथ वाले हैं और जो उसके पड़ोसी हैं उनसे अच्छा सलूक करे तो फिर वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर वो ज़ुबान जिससे हम नात पढ़ते हैं, हुजूर का जिक्र पाक करते हैं, नबी पाक के तज़किरे कर, अगर उससे झूठ बोलेंगे, बददियानती करेंगे, खयानत करेंगे, वो खयानत ज़ाती हो, मिली हो, कौमी हो, दीनी हो, कोई भी, और अगर हम अपने साथ वालों को एज़ा देंगे तो गया हुजूर की ये हदीस बताती है कि जिसको हुजूर से मोहब्बत हो जाए फिर उसके मिजाज से तो तकलीफ़ वैसे रुखसत हो जाती, वो तो किसी को तकलीफ़ देता ही नहीं, वो तो उसका तो रवैया बदल जाता है। आज तीन आपने इरादे अपने दिल में लेके जाने, नबी पाक सलातो सलाम ने फरमाया जो चाहता है अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करे, वो जब बात करे तो, जब अमानत रखी जाए तो, खयानत ना करे और अपने साथ वालों को कोई तकलीफ। आज इरादा कर ना लें जुबान से झूठ, क्योंकि सच्चे नबी के मानने वाले, बददियानती नहीं करनी क्योंकि अमानतदार नबी के गुलाम है, किसी को तकलीफ नहीं देनी इसलिए कि रहमत लिल आलमीन नबी के गुलाम।